आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल इंजीनियर्स फ्रेंड में। और अभी तक हमने जो यात्रा की है वो हार्मनी सोसाइटी तक कर ली है। अब आगे जो है हमें जो डिस्कस करना है, जो देखना है, वो हार्मनी नेचर को लेकर के हमारी बात आगे होगी। तो अभी तक के वीडियो को अगर फिर से एक बार ओवरलुक करें तो एक बात, एक वर्ड पे मैंने ज़्यादा एम्फसाइज किया है, वो है नेचुरल एक्सेप्टेंस। और जहाँ तक ऐसा दिखाई देता है कि ये नेचुरल एक्सेप्टेंस एक जो टूल मिले हमें मिला है, जो रेफरेंस टूल है, इससे बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं कि जो हम अपने लाइफ में सॉल्व करते हुए हमें देखने को मिल जाता है। तो क्या यही नेचुरल एक्सेप्टेंस हमें हार्मनी नेचर को भी समझने में मदद करेगा? एग्जिस्टेंस क्या चीज होती है, क्या ये देखने में हमें मदद करेगा? कोएग्जिस्टेंस क्या चीज होती है, क्या ये हमें देखने में मदद करेगा? तो इन्हीं सब बातों को है ना आगे देखेंगे हम अपने इस वीडियो में। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंटेंट में इतनी गंभीरता होती है, इतना सीरियसनेस होता है और इतना लाइफ से जुड़ा हुआ होता है कि वीडियो को देखते हुए आगे जाने के बाद में हम भूल जाते हैं। और होता क्या है कि जो चेन मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वो चेन कहीं ना कहीं सब्सक्राइब ना करने की वजह से वो रुक जाती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको सब्सक्राइब करिए और अपने जो हितैषी हैं, आपके जो प्रियजन हैं, उन तक मेरी बात को पहुँचाइए। क्योंकि आज के दिन में हर एक इंसान कहीं ना कहीं फंसा हुआ है और हर एक व्यक्ति जहाँ पे जो फंसा हुआ है वहाँ से वो निकलने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ऐसे व्यक्ति को नेचुरल एक्सेप्टेंस की जो चीज है, सहज स्वीकृति चीज है, अगर वो समझ में आ जाती है और वो अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको सलूशन के मोड में ले जा सकता है, तो ये इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो आगे अब देखते हैं कि नेचर के साथ हार्मनी इंसान की कैसे इंश्योर हो और एग्जिस्टेंस के साथ हमारा लिंकअप क्या है, हम इसको फर्दर आगे एक्सप्लोर करते हैं। तो हार्मनी नेचर को समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इसको एक बार आप विजुलाइज करिए और देखिए कि मैं इन वर्ड्स को क्यों लिखा हूं और इसकी कनेक्टिविटी क्या हो सकती है हार्मनी नेचर के साथ। जैसे एयर, वाटर, ट्री, एनिमल, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग को ब्लैक में लिखा है, मैं बताऊंगा क्यों लिखा है। बर्ड, सॉइल, अर्थ, मून, सन, मैटर। अब ये सब चीज क्या है, इसको हम अगर देखें तो सम अप किस रूप में कर सकते हैं। तो अगर नेचर को हमें डिफाइन करना हो कि नेचर क्या चीज होती है, तो मैं जो लिख रहा हूं उसको एक बार आप देखिए कि हम इसको लिख सकते हैं क्या। कलेक्शन ऑफ यूनिट्स, ये एयर है तो ये भी एक यूनिट है, वाटर है तो ये भी एक यूनिट है, ट्री, एनिमल, ऐसे जितनी भी चीजें लिख रखी है, ह्यूमन बीइंग, ये सब क्या है, एक यूनिट है। यानी कि नेचर जो है, जो भी चीज देखती है वो सिर्फ एक यूनिट के रूप में ही देखती है। इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन बीइंग हो नेचर के लिए, या फिर एनिमल हो, या फिर वाटर हो, या तो ट्री हो, हर एक चीज यूनिट है ना। तो इसीलिए क्या है कि अगर नेचर को हम डिफाइन करें तो उसको हम ऐसा कर सकते हैं कि नेचर इज द कलेक्शन ऑफ यूनिट्स, और इन्हीं यूनिट्स के बीच में क्या है, लिंकअप है। अब यहां पे मैंने ह्यूमन बीइंग को ब्लैक क्यों किया, अलग कलर में क्यों कोड किया है, अलग कलर में क्यों दिखाया है, क्योंकि इन सब चीजों को देखने का और समझने का पूरे एंटायर नेचर में केवल जो कैपेबिलिटी है, सोचने समझने की जो क्षमता है, वो केवल इंसान के पास है। अब इंसान का सोच है ना, मैं फिर से यहां पे एक चीज पे ध्यान दिलाता हूं कि इंसान की सोच अगर नेचुरल एक्सेप्टेंस के लेवल पर है तो हार्मनी इन नेचर पॉसिबल है। और अगर ह्यूमन बीइंग जो भी इंसान है उनकी सोच नेचुरल एक्सेप्टेंस से अगर वैरी करती है, अलग होती है, तो वहां पे डिसहार्मनी के होने के भी चांसेस हैं। अब आज के दिन में आप देखें लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, क्यों चल रही है, कारण बार बार ये बताया जा रहा है कोरोना की वजह से।
लेकिन मेरे अपने हिसाब से मैं अगर इस चीज को देखूं तो क्या है कि पहली बात तो यह है कि इंसान जो है अपनी पहली सिस्टम को नहीं देख पाया, यानी कि इंसान इज ऑल्सो ह्यूमन इज ऑल्सो काइंड ऑफ सिस्टम, और सिस्टम को समझ करके सिस्टम में जीना आसान होता है। तो जैसे ही इंसान ने अपने थॉट प्रोसेस पे या फिर अपने पे क्वेश्चन मार्क लगाया, तो अभी हम आगे इसके बाद अभी देखेंगे कि कैसे इंसान इतने क्वेश्चंस मार्क क्रिएट कर देता है कि वो हमें फिर दिखाई भी नहीं देता, और ब्लेमिंग कॉन्सेप्ट बाहर की ओर चलता रहता है। कोरोना फैला हुआ है, क्यों फैला हुआ है? वो इसलिए फैला हुआ है क्योंकि नेचर की जो क्वालिटी है ना, वो क्या है कि अपने आप को तो बैलेंस करती है ना। रास्ते का पड़ा पत्थर और इंसान नेचर के लिए क्या है, दोनों बराबर है ना। तो अगर नेचुरल एक्सेप्टेंस को अगर मैं देख लेता हूं, तो इसको देखने के बाद में जो हार्मनी सबसे पहले जो इंश्योर होती है वो मेरे अपने में होती है। जब मेरे अपने में होती है तब उसका डिस्पर्सन बाहर की ओर होता है, लेकिन जब तक वो हार्मनी मुझे अपने में ही ना दिखाई दे, है ना, तो हम बाहर कितनी भी कोशिश कर ले बाहर में कहां ठीक हो पाता है। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं कि इन सब को लिखने का मेरा मकसद क्या है और कैसे मैं हार्मनी को इंश्योर कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस। यहां पे मैंने डिफाइन किया कि नेचर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल काइंड ऑफ यूनिट्स, है ना, और ये सारी चीजें क्या है, यूनिट्स हैं। अगर यूनिट को लेकर के कोई डाउट क्रिएट हो रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें बताइए, मैं इसको अलग से फिर से, है ना, एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। ठीक। तो अगर क्या है ना कि कलेक्शन ऑफ यूनिट्स, अब जो यूनिट्स हैं, अगर हम एक एक यूनिट को आइडेंटिफाई करके उस पर स्टडी करना स्टार्ट करें ना, तो हो सकता हो कि एक ह्यूमन लाइफ हमारी कम पड़ जाए, और ऐसा हो भी सकता है कि कई ह्यूमन लाइफ भी कम पड़ जाए। तो अभी हम क्या करते हैं ना कि यूनिट की प्रॉपर्टी के बेस पर, है ना, उसकी प्रॉपर्टी के बेस पे उसको हम सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। तो उसके सिंक्रोनाइजेशन में अगर हम देखें तो क्या है कि जैसे इसको अगर हम देखें ना, तो ये कह सकते हैं कि नेचर इज द कलेक्शन ऑफ यूनिट्स, और ये जो यूनिट्स का जो कलेक्शन है, अगर उसको कैटेगराइजेशन करें तो हमें फोर ऑर्डर्स का सीक्वेंस हमें दिखाई देता है ना। फोर ऑर्डर्स आर अवेलेबल इन अवर नेचर। अब वो क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला अगर देखें तो हमने बोला क्या, मटेरियल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर। अब मटेरियल ऑर्डर में क्या चीज आ सकती है, जैसे सॉइल, एयर, मेटल, है ना, ऐसी चीजें जो भी होंगी उसको हम किस में रखेंगे, मटेरियल ऑर्डर में। फिर दूसरा हमने ऑर्डर देखा क्या, देख सकते हैं प्राणिक ऑर्डर। प्राणिक ऑर्डर को आइडेंटिफाई करें तो कैसा दिखेगा, जैसे प्लांट्स, ट्रीज, इटीसी, है ना। तो इसको हमने नाम दिया क्या, प्राणिक ऑर्डर। तीसरा देखे तो हम क्या बोल सकते हैं, एनिमल ऑर्डर, है ना, एनिमल ऑर्डर, जिसमें हम ये क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गई, है ना, इटीसी। और लास्ट अगर देखें तो उसको हम बोलते हैं क्या, ह्यूमन ऑर्डर। ह्यूमन ऑर्डर में जैसे क्या चीज आ गया, सिर्फ एक ही चीज है जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन या फिर इंसान। ठीक है ना। तो ये चार ऑर्डर्स हैं। अब इन चारों ऑर्डर के बीच में हमें रिलेशन को देखना है, और उस रिलेशन को किसके बिहाफ पे देखना है, नेचुरल एक्सेप्टेंस के बिहाफ पर देखना है। ठीक है ना। आगे देखते हैं इनके आपसी रिलेशनशिप। तो अब देखते हैं क्या, रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट।
सबसे पहले हम देखेंगे किसके बीच में, फिजिकल ऑर्डर। फिजिकल ऑर्डर को मटेरियल ऑर्डर भी बोल सकते हैं, फिजिकल ऑर्डर भी बोलते हैं। और दूसरा रिलेशन हम देखेंगे इसके फिजिकल ऑर्डर और प्राणिक ऑर्डर के बीच में हम रिलेशन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो अभी क्या होता है कि सॉइल, सॉइल पे क्या होते हैं ना, अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के ऊपर प्लांट्स लगे होते हैं। तो प्लांट के ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है वो उसे कहां से मिलता है, सॉइल से मिलता है। प्लांट का अपना टेन्योर होता है, उस टेन्योर को कंप्लीट करने के बाद में जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट के पहले क्या होते हैं, पत्तियां झड़ती हैं। अब वो पत्तियां जब गिरती हैं तो वो कहां जाती हैं, सॉइल में जाती हैं। अब सॉइल में जाने के बाद में वहां पे क्या होता है, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। अब डिकम्पोजिशन होने के बाद में क्या होता है कि जो प्लांट ने जो न्यूट्रिएंट अर्थ के सॉइल से लिया था, जो न्यूट्रिएंट अर्थ के सॉइल से लिया था उसको इनरिच करके अब वो क्या कर रहा है, फिर से सॉइल को वापस कर रहा है। ठीक। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पे फिजिकल ऑर्डर और प्राणिक ऑर्डर के बीच में जो रिलेशनशिप है, पहली बात तो क्या है कि वहां पे जो रिलेशनशिप है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब वहां पे साइकिल मेंटेन रहती है। ठीक। अब उस साइकिल में क्या होता है कि इनके बीच में इंटरकनेक्शन होता है और एक दूसरे पे इनकी डिपेंडेंसी होती है। अब आज के दिन में अगर प्लांट को खाली हटा दिया जाए तो सॉइल क्या अकेला उस लेवल का सस्टेन कर पाएगा कि जिस लेवल पे हमें उसकी रिक्वायरमेंट, वो भी इनरिच हो रहा है, सॉइल है, सॉइल को एक टाइम के बाद में क्या होता है कि वो भी इनरिच हो रहा है। जिसमें क्या होता है कि जब प्लांट्स जब सड़ते हैं या फिर उसका फर्मेंटेशन होता है, वहां पे डिकम्पोजिशन होता है, तो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो फिर से क्या होते हैं, इनरिच हो जाते हैं। तो यहां पे क्या है कि इनके बीच में आपस में रिलेशनशिप है और एक दूसरे को ये पहचानते हैं और क्या करते हैं, उसको फुलफिल करते हैं। तो यहां पे मैंने इसके बीच में क्या लगा दिया, एरो, कि ये साइक्लिक है, एक दूसरे को पहचान रहे हैं और एक दूसरे को उसके अकॉर्डिंगली फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब रिलेशनशिप देखते हैं किसका, एनिमल ऑर्डर का फिजिकल ऑर्डर के साथ और एनिमल ऑर्डर का प्राणिक ऑर्डर के साथ। तो अब क्या है कि जो एनिमल वर्ल्ड है या फिर एनिमल जो ऑर्डर है, इसको सर्वाइवल के लिए जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ये फिजिकल ऑर्डर उसको प्रोवाइड करता है। शेल्टर की रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोवाइड करता है, है ना। अब दूसरी चीज है कि जो एनिमल ऑर्डर है उनको जो इंटरकनेक्टेड उनके रिलेशनशिप है वो किसके साथ हो रहे हैं, प्राणिक ऑर्डर के साथ, यानी कि प्लांट और ट्रीज है। अब होता क्या है कि इसमें भी अगर देखें ना, तो पहली बात तो इसके साथ अगर देखें तो फिजिकल ऑर्डर एनिमल ऑर्डर की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करता है, फुलफिल करता है, और ये एनिमल ऑर्डर फिजिकल ऑर्डर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको वो एनरिच करता है, सॉइल को क्या करता है, उसको एनरिच करता है। अब एनिमल ऑर्डर और प्राणिक ऑर्डर के बीच में क्या है, अगर इस रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करें तो यहां पे भी क्या है, दोनों साइड एरो हम लगा सकते हैं क्या, ठीक है ना। तो यहां पे भी क्या हो रहा है कि म्यूचुअल फुलफिलमेंट हो रहा है, साइक्लिक प्रोसेस है, इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है, और इन तीनों के बीच में जो हर एक यूनिट है वो हर एक यूनिट एनरिच हो रही है ना। अब हम इनके, अब जो है ना, हम ह्यूमन ऑर्डर की कनेक्टिविटी को यहां पे लेकर के अब हम बात करते हैं। इंसान को जब म्यूचुअल फुलफिलमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो वो क्या करता है, इसको देखते हैं। जब सही समझ यानी कि राइट अंडरस्टैंडिंग अगर मिसिंग है ना, मिसिंग है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको रेड से मैं आइडेंटिफाई कर देता हूं, क्वेश्चन मार्क है ना। राइट अंडरस्टैंडिंग अगर मिसिंग है तो होता क्या है कि ह्यूमन ऑर्डर क्या कर रहा है, फिजिकल ऑर्डर से क्या कर रहा है, हर चीज को एक्सट्रैक्ट कर रहा है लेकिन फुलफिल करने के बारे में नहीं देख पा रहा है। तो ह्यूमन ऑर्डर को जो चीज चाहिए वो फिजिकल ऑर्डर तो अपनी तरफ से फुलफिल कर रहा है ना, लेकिन इंसान क्या कर रहा है,
इंसान क्या कर रहा है, सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क को जनरेट कर रहा है। ठीक, अब इसको देखें एनिमल ऑर्डर के साथ। एनिमल ऑर्डर क्या है ना, इंसान अपने आप को सबसे टॉप लेवल पे देखता है तो क्या सोचता है ना कि ये सब बेकार है, इसका कोई ज्यादा रोल हमें नहीं दिखाई देता, है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है। लेकिन एनिमल ऑर्डर इस चीज को पहचानता है कि मुझे इसके साथ म्यूचुअल फुलफिलमेंट के सेंस में ही रहना है, तो क्या करता है, ह्यूमन ऑर्डर को जिस चीज की आवश्यकता होती है वो एनिमल ऑर्डर क्या करता है, फुलफिल करता है। लेकिन इंसान क्या करता है, सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब ये क्वेश्चन मार्क की वजह से आज के दिन में हमें कई, है ना, जानवरों के लिए स्लोगन बनाने पड़ रहे हैं, लेकिन वो स्लोगन भी काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज मिसिंग है, राइट अंडरस्टैंडिंग मिसिंग है। आपने अरल सागर का नाम सुना होगा, है ना, एक बार आप उसको सर्च करिएगा, उसके बारे में पढ़िएगा कि आज के दिन में उसकी क्या कंडीशन है और आज से कई साल पहले उसकी क्या सिचुएशन हुआ करती थी। आज वहां पे केवल ट्रक जाते हैं, है ना, सागर नाम है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज होगी, है ना। अब वहां पे केवल रेत को उठा करके कंस्ट्रक्शन के काम में खाली उसको यूज किया जा रहा है। एक समय था कि वो बहुत बड़ा एक सिंक हुआ करता था, कि जितने भी हमारे अर्थ सरफेस पे जितने भी टॉक्सिसिटी होती थी ना, वो जब बारिश होती थी, बारिश होने के बाद में क्या होता, फ्लो करके एक सिंक जोन बनता था। वो सिंक जोन आज के दिन में सूख चुका है, है ना, एक बार आप इसको सर्च करिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल ऑर्डर को नहीं समझ पाए तो उसको डोमिनेट करने की कोशिश करने लगे, एनिमल ऑर्डर के साथ इंटरकनेक्टेडनेस को नहीं देख पाए तो उसको डोमिनेट करने की कोशिश करने लगे। अब प्लांट ऑर्डर यानी कि प्राणिक ऑर्डर को भी हम आइडेंटिफाई करें तो क्या है कि ह्यूमन को जो चीज चाहिए वो प्राणिक ऑर्डर तो अपनी तरफ से फुलफिल कर रहा है, लेकिन इंसान क्या कर रहा है, सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क, है ना, अब ये क्वेश्चन मार्क क्या हो रहा है, तो अब स्टडी कर रहे हैं क्या, ग्लोबल वार्मिंग का स्टडी क्या कर रहे हैं कि पैंडेमिक से कैसे है ना छुटकारा मिले, है ना, अर्थक्वेक आ रहा है तो उसका सलूशन कैसे दें। तो अब क्या है कि इंसान का जो डेवलपमेंट अभी क्या हो रहा है ना, कि जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम को नहीं समझ पाए, और बिना समझे जब सिस्टम में जीने जाते हैं तो 100% प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी। तो अब कहते हैं कि यहां पे क्या कि इंसान को उस एरिया में पढ़ाई करनी चाहिए जिधर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है। अब प्रॉब्लम को क्रिएट करने के बाद में उसको सोल्यूशन की ओर ले जाने के लिए अब हम क्या करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करते हैं, ठीक है ना। अब हो क्या रहा, अब इस सीक्वेंस में, है ना, इतने क्वेश्चन मार्क क्यों लगे, कहां पे, ह्यूमन ऑर्डर का प्राणिक ऑर्डर के साथ, ह्यूमन ऑर्डर का फिजिकल ऑर्डर के साथ, और ह्यूमन ऑर्डर का एनिमल ऑर्डर के साथ, सिर्फ एक चीज ना समझ पाने की वजह से, म्यूचुअल फुलफिलमेंट, है ना, म्यूचुअल फुलफिलमेंट ना समझ पाने की वजह से साइक्लिक सिस्टम क्या होता है नहीं समझ में आ रहा है। क्रॉप रोटेशन की बात होती थी पहले, क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है कि अगर गर्मी के टाइम पे, है ना, कोई अनाज उगाया गया तो सॉइल में क्या होता है कि एग्जांपल के तौर पे अगर देखें ना, तो ए और बी, है ना, दो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि सॉइल एनरिच्ड है ए और बी न्यूट्रिएंट से, गर्मी के सीजन में जो खेती की गई उस सीजन में क्या था कि जो रिक्वायरमेंट थी वो केवल ए के थी, ठीक, बी वहां पे यूज नहीं हुआ, ठीक, तो रोटेशन किया गया, तो अब यहां से ए हो गया क्या गायब। अब दूसरे जब सीजन आया तो उसमें हमने क्या ग्रो किया, ऐसे प्लांट ग्रो किए, ऐसे अनाज उगाए कि जहां पे बी की रिक्वायरमेंट थी, और जब तक बी वहां पे उस चीज को कंप्लीट कर रहा था, यहां पे ए क्या हो रहा था, जनरेट हो रहा था, है ना। अभी आज के दिन में क्या हो रहा है कि हमारे
हर एक ऑर्डर को हार्वेस्ट करने का जो रेट है ना, इसको अगर मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू देखें तो dx ओवर dt है ना, तो टाइम के अकॉर्डिंग x को हार्वेस्ट करने का जो रेट है वो वहां पे प्रोड्यूस होने के रेट से यानी कि ds ओवर dt से ज्यादा है। ठीक, बात समझ में आ रही है कि अगर मेरा हार्वेस्ट करने का है ना अगर रेट ज्यादा है और वहां पे सेल प्रोड्यूस होने का रेट अगर कम है तो ऑब्वियसली बात है डेफिशिएंसी आएगी ही आएगी। ठीक, तो अब यहां पे क्या कर रहे हैं कि बी जो है जब ये एनरिच बी जो है जब यूटिलाइज हुआ तो ए वहां पे क्या हो रहा था, टाइम के अकॉर्डिंग जनरेट हो रहा था है ना, प्रोड्यूस हो रहा था क्योंकि साइक्लिक सिस्टम है। ठीक, अब ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो ये कह रहे कि भाई जब गर्मी के समय में जो खेती होती है ना उसमें ज्यादा पैसा है ना, अब सही समझ का विकास हो नहीं पाया तो समझ पहुंची कहां पे, मटेरियल वर्ल्ड पे, कि आज के मटेरियल वर्ल्ड में मनी इज ऑन द टॉप, तो अब खेती भी क्या हो रही है, खेती भी क्या हो रही है कि ए में ए न्यूट्रिएंट से उगने वाले जो प्लांट हैं उससे ज्यादा प्रॉफिट है तो केवल ए न्यूट्रिएंट से सॉइल को एनरिच करने की कोशिश कर रहा है, तो बी क्या करेगा, जब बी बढ़ता चला जाएगा बढ़ता चला जाएगा बढ़ता चला जाएगा तो क्या करेगा, यही सॉइल में टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा है ना, और सॉइल को जो एनरिच करने के लिए अलग से जो हम है ना फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, हम बार बार जब इसी चीज के ऊपर उसको है ना रिपीटेटिव डालते ही रहेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है वो घट जाती है, गिर जाती है, फिर फसल अचानक से कब खराब हो जाती है किसी को है ना, आप डाटा चेक करिए, मैं बोलूं तो उतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये जो कंसर्न है वो कंसर्न सिर्फ एक मुद्दे को लेकर के है कि ये सही समझ दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक चीज है कि नेचुरल एक्सेप्टेंस नाम की चीज पे मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पाई है, नेचुरल एक्सेप्टेंस सहज स्वीकृति सहज भाव सहज स्वभाव है ना, इन सब चीजों को मैं देख नहीं पाया हूं समझ नहीं पाया हूं तो इसी वजह से इतने क्वेश्चन मार्क यहां पे लग रहे हैं। अभी हम इस क्वेश्चन मार्क को ना अभी आगे के जो टर्म है उसको और मैं है ना फैलाने की कोशिश करता हूं और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं कि इसका फैलाव कहां तक जा सकता है। ये क्वेश्चन मार्क अभी तो यहां तीन दिख रहे हैं ना, अभी आप देखिएगा कि कैसे ये क्वेश्चन मार्क हमारे अपने घर में कैसे घुस जाते हैं सिर्फ एक चीज की वजह से, सही समझ का डेवलपमेंट ना हो पाने की वजह से। ठीक, तो अब ह्यूमन ऑर्डर में हम क्या करते हैं ना कि एक व्यक्ति को लेकर के चलते हैं क्योंकि एक व्यक्ति है कि जिसका कनेक्शन एक फैमिली के साथ भी होता है, एक वही व्यक्ति है कि जिसका सोसाइटी के साथ भी होता है, और वही एक व्यक्ति है कि जो मैनमेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मानवकृत जो व्यवस्थाएं हैं उनके साथ उनका एसोसिएशन होता है। तो यहाँ पे परिवार यानी कि यहाँ पे क्या है कि एक इंसान का जुड़ाव है ना नेचर के अलावा और कहाँ पर होता है उसके ऊपर ये पूरा पूरा डिस्कशन है। तो अभी आप देखें कि अगर ह्यूमन बीइंग यानी कि हर एक इंडिविजुअल में अगर ये राइट अंडरस्टैंडिंग मिसिंग है तो बात कहां तक गंभीर हो सकती है, इसको देखने वाली की ओर बात है कि एक परिवार के संदर्भ में एक इंसान की जो आवश्यकता है और एक परिवार को परिवार से एक इंडिविजुअल को जो आवश्यकता है वो क्या फुलफिल हो पाएगा है ना, सही समझ का विकास नहीं हो पाया तो यहां पे भी लगेगा क्या क्वेश्चन मार्क। ठीक, दूसरा देखते हैं कि ह्यूमन ऑर्डर है ना यानी कि इंडिविजुअल जब एक सोसाइटी के संदर्भ में अगर बात की जाती है और सोसाइटी के संदर्भ में अगर इंसान की बात की जाती है और राइट अंडरस्टैंडिंग अगर मिसिंग है तो क्या वहां पे जो साइक्लिक प्रोसेस होना चाहिए क्या वो कंप्लीट हो पाएगा, ये लगा क्वेश्चन मार्क है ना। ह्यूमन ऑर्डर और मैन मेड ऑर्गेनाइजेशन, हम व्यवस्था भी कुछ ऐसी ही बना रहे हैं है ना, कॉम्पिटिशन बेस्ड सिस्टम को क्रिएट कर रहे हैं। अब वो कॉम्पिटिशन बेस्ड सिस्टम में क्या है, प्रॉब्लम है या सोल्यूशन है, ये आप इसको ऑब्जर्व करके देखें। अगर सही समझ का विकास नहीं हो पाया
तो यहां पे भी लगा दिया क्या क्वेश्चन मार्क। अभी आप देखिए ना कि अब फैमिली फैमिली में जितने भी इंडिविजुअल है सबके पास राइट अंडरस्टैंडिंग मिसिंग है, तो वो फैमिली किस लेवल पे पहुंची, हार्मनी के लेवल पे पहुंची या डिसहार्मनी के लेवल पे पहुंची। अब यही इंसान क्या है कि ये सोसाइटी को भी दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है, और हर सोसाइटी में हमारे जैसे ही इंडिविजुअल हैं। अगर बाय चांस वहां पे राइट अंडरस्टैंडिंग मिसिंग है तो क्या वहां की जो सोसाइटी है उसको हम सभ्य सोसाइटी बोलेंगे, असभ्य सोसाइटी बोलेंगे, हार्मनी क्रिएट होगी या फिर डिसहार्मनी क्रिएट होगी। अब जो सिस्टम मैनमेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, जो मैनमेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर ये राइट अंडरस्टैंडिंग मिसिंग है तो क्या वो जो ऑर्गेनाइजेशन जिस उद्देश्य से बनाया जा रहा है क्या वो फुलफिल हो पाएगा क्या, है ना। तो इसके रिलेशन में अगर ये क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं तो अब क्या होगा कि यही क्वेश्चन मार्क का जो फैलाव है ना वो हर तरफ आपको दिखाई देगा। आई थिंक कि अब आपको ये बात दिख रही है, समझ में आ रही है कि केवल एक चीज के मिसिंग होने से, केवल एक चीज के मिसिंग होने से ये कितने क्वेश्चन मार्क को जनरेट कर देता है, और ये क्वेश्चन मार्क हम अपने पर डे की लाइफ में देख भी नहीं पाते, है ना। तो आसान तरीका ये है कि नेचुरल एक्सेप्टेंस को आइडेंटिफाई करने की प्रैक्टिस करते रहें, ठीक। यही केवल एक नेचुरल एक्सेप्टेंस ही केवल एक माध्यम है कि जो म्यूचुअल फुलफिलमेंट और रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, उसको फुलफिल करने के लिए रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। और अगर ये फुलफिलमेंट होने लगे, यानी कि सिर्फ एक ये क्वेश्चन मार्क अगर हटा, राइट अंडरस्टैंडिंग मुझे अपने में दिखने लगी, तो ये क्वेश्चन मार्क क्या होगा, यहां से हटेगा, यहां से हटेगा, यहां से हटेगा, फिर यहां से भी हटेगा, यहां से भी हटेगा, यहां से भी हटेगा, तो ये सारे क्वेश्चन मार्क क्या होंगे, फिर हट जाएंगे। कितना अच्छा लग रहा देख के, है ना। तो इसीलिए बार बार मैं फिर से यही कहूंगा कि व्यवस्था को समझ करके व्यवस्था में जीना आसान है। ये हर एक यहाँ पे जितने भी ऑर्डर हैं, ये जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, हर एक व्यवस्था है, हम भी एक व्यवस्था हैं, आप भी एक व्यवस्था हैं, शरीर अपने आप में एक व्यवस्था है, सेल्फ अपने आप में व्यवस्था है। हर एक व्यवस्था को समझना है, हर एक व्यवस्था से संबंधित जो भी विषय वस्तु है, जो भी कंटेंट है, उसको रिसीव करना है अपनी समझ, यानी कि उसका एनालिसिस करके, है ना, नेचुरल एक्सेप्टेंस के सेंस में लेके जाना है और जीना है। बहुत सिंपल काम है। इंसान इस धरती पे केवल पार्टिसिपेट करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता, चावल का एक दाना भी उत्पन्न नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, सहयोग अगर मिले मटीरियल ऑर्डर का, इंसान की मेहनत का, तो वो हार्वेस्ट करके सही ढंग से अपना, है ना, भरण पोषण भी कर सकता है, है ना। तो इस भ्रम में रहना ठीक नहीं है कि मैं ही सब कुछ हूं। मैं अब इसका हायरार्की भी अगर हम देखेंगे ना, तो अगर इसका हायरार्की भी देख ही लेते हैं, अभी आप केवल इस चीज को आइडेंटिफाई करना कि पूरे एंटायर नेचर में सबसे ज्यादा जो अवेलेबल क्वांटिटी है वो किस चीज की है। तो अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जो ऑर्डर बनता है वो किसका बनता है, फिजिकल ऑर्डर का, है ना। इसको लिखते क्या, आइडेंटिफाई करने के लिए मटेरियल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर से ऊपर की ओर अगर हम जाएंगे, है ना, मटेरियल ऑर्डर से जब ऊपर की ओर जाएंगे तो यहां पे हमें दिखेगा क्या, प्राणिक ऑर्डर।
यानी कि प्लांट एंड ट्रीज, इसके ऊपर जाएंगे तो हमें दिखेगा क्या, एनिमल ऑर्डर। ठीक, एनिमल ऑर्डर के ऊपर क्या दिखेगा, ह्यूमन ऑर्डर। और ये जो सिस्टम बनता है ना, ये ऐसे बनता है, नेचर इतना सही सिस्टम सब डिजाइन किए हुए बैठा है, हमें बस देखने की जरूरत है, हमें बस इसको ऑब्जर्व करके जीने की जरूरत है। अब ये ह्यूमन ऑर्डर को क्या बोला जाता है, एक और नाम से बुलाया जाता है, इसको बोलते हैं ज्ञान अवस्था, है ना। ज्ञान अवस्था का मतलब क्या है कि इसके पास मेधस है, यानी कि ब्रेन है, और माइंड के साथ उसका कनेक्शन है। माइंड जैसा रन करता है, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेट करने के बाद में उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है। अगर ये राइट अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिश्ड है तो वो इंसान इस ऑर्डर के साथ भी हार्मनी इंश्योर कर सकता है, प्राणिक ऑर्डर के साथ भी कर सकता है और मटेरियल ऑर्डर के साथ भी कर सकता है। और अगर यही राइट अंडरस्टैंडिंग मिसिंग हो जाए, तो अभी मैंने इतने क्वेश्चन मार्क देखे थे, वो इसीलिए लग रहे थे क्योंकि इस हायरार्की में जो सबसे टॉप लेवल पे है वो ज्ञान अवस्था है, और आज के दिन में क्या यही ज्ञान अवस्था ही अज्ञानता की ओर है ना जाता हुआ दिख रहा है। देखते हैं आगे, फर्दर डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप के ऊपर ही। लेकिन अब जो हमारा डिस्कशन होगा वो डायरेक्ट होगा किस चीज को लेकर के, वेरियस पैरामीटर्स ऑफ द नेचर, है ना, जिसको ऑब्जर्व करना और देखना बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो में हमारी तरफ से बस अभी तक इतना ही है कि रिलेशनशिप और म्यूचुअल फुलफिलमेंट, इनके इंटरकनेक्टेडनेस, इनके आपसी रिलेशनशिप के ऊपर ये पूरा वीडियो था। आगे के इसके सेकेंड पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जितने भी हमारे ऑर्डर्स हैं, इनकी डिफरेंट यूनिट्स तो हमने देख ली है, लेकिन इनके इनेटनेस, इनका इनहेरिटेंस और इनकी एक्टिविटी, इसके ऊपर हमारी पूरी बात होगी। दूसरा कि इंसान के लेवल पे रोल ऑफ एजुकेशन कैसे एक्ट कर सकता है हार्मनी को समझ करके, हार्मनी में जीने के लिए, ये दूसरे पैरामीटर पे हमारी नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।